नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ रेलवे ALP 17 अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि आज आपके पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरे वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के 17 अगस्त को तीनों शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स प्लस साइंस प्लस भारत जीके के रहेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, जो सुबनश्री परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सुबनश्री, यह कहाँ पर लागू किया गया है। तो ये दोस्तों परियोजना ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², मतलब एक तो आपके द्रव्यमान मास और दूसरी वेलोसिटी यानी वेग पर निर्भर करती है। एनी थिंग बट खामोश इसके लेखक कौन है, तो इसके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है, मास्टर कार्ड के CEO कौन है। प्रत्येक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आ रहा है CEO पे मुख्य कंपनियों के, तो एक बार जरूर पढ़ के जाना। सही जवाब है आपका यहाँ पे अजय पाल सिंह। फीफा चैंपियनशिप 2018 के विनर टीम कौन सी रही है, तो वो है आपके फ्रेंड्स। ओके, फ्लिपकार्ट के CEO पर भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, तो इसका सही जवाब है आपके कल्याण कृष्ण मूर्ति। ओके, जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो ये हुई है आपके उत्तर प्रदेश में। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, तो विटामिन के यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। अगर किसी किरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण है, मतलब आई है, वो है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा। दोस्तों स्नेल का नियम कहता है साइन आई बराबर साइन आर, मतलब यहाँ पे जो आर है परावर्तन कोण है वो भी आपका 30 डिग्री होगा। ओके, त्रिपुरा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव, यहाँ पे आपका करेक्ट है। पौधों के किस भाग में बीज बनता है, तो वो भाग होता है ओवरी। ओके, शक्ति की इकाई पूछी है यहाँ पे, आपके पावर की इकाई होती है वॉट। बुकर प्राइज किसे दिया गया है 2017 का, तो वो दिया गया है जॉर्ज सॉन्डर्स को। फ्रेंच ओपन 2017 के विनर कौन है आपके मेल सिंगल में, ओके, राफेल नडाल, यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। GST में अधिकतम कितनी सजा होती है, मतलब GST नियमों की अवहेलना करने पर, तो वो होती है आपके 5 ईयर्स की मैक्सिमम सजा या कारावास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे, रॉकेट, जो रॉकेट होता है उसमें प्रयोग होने वाला ठोस इंजन कौन सा होता है, वो होता है आपके पोली यूरेथिन या फिर पोली ब्यूटाइन, ये दोनों होते हैं। ओके, हिमा दास किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं असम से। मूली के तीखेपन का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आइसोसाइनाइड। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वह है विटामिन B और C है, और जो वसा में घुलनशील है वो है आपके AD, E और K विटामिन। ओके, कास्टिक सोडा जिसको NaOH बोलते हैं, और उसकी रिएक्शन यदि HCl से कराएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा। जैसे कि दोस्तों ये आपका क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों रिएक्शन होने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जिससे आपका लवण और जल बनेगा। लवण मतलब जो साल्ट है NaCl, और H2O का निर्माण यहाँ पे होगा। लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा महाजन, यहाँ पे आपके करेक्ट है। मानव में कुल मेरुदंड की संख्या कितनी है, स्पाइनल कॉर्ड है टोटल 32। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट CM का अवार्ड दिया गया है अब की बार वसुंधरा राजे सिंधिया को। सीता वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमित त्रिपाठी हैं। अकबर के नवरत्न कौन से हैं, एग्जाम में आपके था निम्न में से अकबर के नवरत्न कौन से नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नवरत्न है कौन से। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोटरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना ए खाना, और फकीर अजयुद्दीन, और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नवरत्न है टोटल। और बात करें अगले क्वेश्चन की, पैन की फुल फॉर्म क्या है, तो पैन कार्ड में जो पैन होता है उसका पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है, तो वो है आपके 5000 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन जो कि स्मृति आधारित है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए,
और भी ALP के नेक्स्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा देना। और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।